खबर हांसी से है, जहां पर इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस दौरान बैठक में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और इनेलो नेता अभय चौटाला शामिल रहे। और ओपी चौटाला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और इस दौरान ओपी चौटाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनावों में लोगों में बीजेपी के लिए रोष था। साथ ही ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं को कहा कि जो कार्यकर्ता पार्टी से रूठा हुआ है उसे मनाओ। इनेलो सुप्रीमो ने यह भी कहा कि कुछ लोग चुनावों के वक्त पैसे के बूते पर अपना दांव लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। अभय चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरह से केवल राहुल गांधी और मोदी के बीच में लड़ाई दिखाई गई। लोगों ने फिर ये मान करके फैसला किया, वोट डाला कि अगर राहुल गांधी के पक्ष में कहीं कोई वोट दे दिया तो देश कमजोर पड़ जाए। तो कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं था। तीसरा कोई ऐसा देश के अंदर संगठन नहीं बना था, ऐसा कोई मोर्चा नहीं बना था जिसको लोग अपना मन चाहे वोट दे करके अपनी सरकार बना सके। जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में मजबूरी लोगों की थी, उसी तरह की मजबूरी अब की बार भी लोगों के सामने थी। लोगों ने मोदी और राहुल के बीच में चुनाव करना था कि किसको देश की बागडोर सौंपी जाए, इसलिए लोगों ने अपना वोट मोदी जी को दे करके फिर से हमें सत्ता सौंपने का काम किया।